स्वागत है विनाश फिटनेस क्लब में। तो गाइस जो आज की वीडियो है वो मसल गेनिंग शेक के ऊपर है। मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं कौन सा शेक पीता हूँ जिससे कि मेरे मसल्स गेन होते हैं और मैं मसल गेनिंग के टाइम पे यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यार इंग्रेडिएंट्स दिखा देता हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ। इंग्रेडिएंट यूज़ करता हूँ यार, मैं मदर डेयरी का काऊ मिल्क यूज़ करता हूँ, ये थोड़ा लो फैट मिल्क होता है। और दूसरी चीज़ यार मैं मैंगो यूज़ करूँगा इस शेक के अंदर। और तीसरी चीज़ जो कि होगा यार पीनट बटर, जो कि मैंने नेचुरल पीनट बटर अपने घर में ही बनाया था और ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और यार ये जो चौथी चीज़ है ये मैंने क्या करा है, बादाम को ग्राइंड करके ना उसका मैंने पाउडर टाइप बना लिया है, तो मैं ये भी अपनी शेक में यूज़ करूँगा क्योंकि आपको पता है यार क्या आलमंड्स के अंदर प्रोटीन होता है। और यार ये पांचवी चीज़ जो है यार ये रोबज़ा कहते हैं, बहुत लोगों को पता होगा और हो सकता है बहुत लोगों को इसकी नॉलेज ना हो, तो ये मैं खाली फ्लेवर के लिए यूज़ करूँगा तो मैं इसको साइड रख देता हूँ। बाकी मैं ऐड करूँगा यार क्विकर ओट्स, ये तो सबको पता है ये कार्बोहाइड्रेट्स, हाई कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसके अंदर। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको मैं अपना शेक कैसे बनाता हूँ। पहले ओट्स ले लिए हैं, अब मैं इन ओट्स को भी ग्राइंड कर लूँगा, इसका भी पाउडर बना लूँगा। इससे क्या होगा यार ये ना मुंह के अंदर जैसे थोड़ा खाने इस मतलब शेक के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसलिए मैं सबसे पहले इसको ग्राइंड कर रहा हूँ। तो यार ग्राइंड हो चुके हैं, अब इसके अंदर हम सबसे पहले करेंगे मिल्क ऐड। और यार डिपेंड करता है आपको कितना मतलब शेक पीना है, मैं पूरी हाफ लीटर की ये जो मिल्क की पैकिंग है मैं तो पूरे इसकी शेक बना देता हूँ। तो पहले मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। तो अब मैं इसमें यूज़ करूँगा यार पीनट बटर, जो ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म हो चुका है यार। मैं फिर दोबारा से एक बार ये नेचुरल वाला मैं पीनट बटर बना लूँगा। तो अब मैं डाल रहा हूँ यार इसमें जो मैंने आपको बताया था कि मैंने बादाम ग्राइंड करे हुए हैं, ये मैं एक स्पून यूज़ करूँगा। और यार आप ये शेक ना प्री वर्कआउट भी ले सकते हो, पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हो। और ये विदाउट प्रोटीन मैं यूज़ कर रहा हूँ यार, क्योंकि बहुत लोगों के पास प्रोटीन नहीं होता है तो वो शेक सोचते हैं कि यार हम कौन सा शेक पिएंगे जिससे हमारी गेनिंग होए। तो मैंने ये ऑलमंड्स का पाउडर इसमें डाल लिया, अब मैं डालूंगा यार इसमें मैंगो फ्लेवर के लिए भी। एंड यार मैंगो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स और भी विटामिन मिनरल्स वगैरह बहुत कुछ होते हैं यार। तो यार अपने सारे इंग्रेडिएंट देख लिए मैंने, इसमें ओट्स यूज़ करे हैं, बादाम का पाउडर यूज़ करा है मैंने, ओट्स यूज़ करे हैं एंड मैंगो यूज़ करा है। तो लेट्स ग्राइंड। तो गाइस आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का शेक निकल के आया है। और गाइस प्लीज़ अगर ये आपको मतलब ये शेक अगर आप बनाओगे तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करना ये गेनिंग के लिए, और मेरे को टेस्ट वगैरह भी बताना। और अगर यार वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और यार कमेंट करके ज़रूर बताना।